राजधानी भोपाल की नरेला सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी और यहां पिछले तीन बार के चुनाव से भाजपा जीतती आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त माने जाने वाले मंत्री विश्वास सारंग यहां से तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी नरेला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। उनकी दावेदारी को लेकर उनके समर्थक सक्रिय हैं, पर विश्वास का नरेला से ही लड़ना तय है। उनकी हर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता के घर तक पहुंच हो रही है। भाजपा में वो ऐसे नेता हैं जिन्हें मुस्लिमों के वोट भी बड़ी तादाद में ही मिलते हैं। कांग्रेस के मनोज शुक्ला इस बार नरेला के मुख्य दावेदार हैं। वो क्षेत्र के बुजुर्ग खासतौर पर महिलाओं को पिछले दो साल तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हर महीने चार से पांच महिलाओं और बुजुर्गों को अपने खर्च पर गिरिराज के दर्शन और परिक्रमा कराने मथुरा ले जाते हैं। उनकी कोशिश भाजपा के वोट बैंक पर सेंध लगाने की है। नरेला सीट से भाजपा से संभावित उम्मीदवार की बात करें तो यहां से एक बार फिर विश्वास सारंग का ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय है। बावजूद इसके कई अन्य दावेदार टिकट के लिए सक्रिय हैं। हालांकि सीट से भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो नरेला विधानसभा सीट से कई दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं। नए चेहरे के तौर पर मनोज शुक्ला का नाम ज्यादा चर्चा में है। वो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा पिछला चुनाव हारे महेंद्र सिंह चौहान फिर दावेदारी कर रहे हैं। खबर है कि कमलनाथ ने मनोज शुक्ला को तैयारी करने को कह दिया है।